तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। आपको इस चैप्टर से काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, अगर हम सिंपल सी बात करें तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें समझेंगे कि जो हमारी पूरी बॉडी है उसको कंट्रोल कौन करता है। जैसे हम आप सबने सुना होगा हमारा ब्रेन क्या है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या खाली ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है या ब्रेन के साथ और भी बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है? तो हम यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के बारे में बात करेंगे, आईज के बारे में बात करेंगे, ईयर्स के बारे में बात करेंगे, काफी कुछ इस चैप्टर में समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो चैप्टर जो स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जस्ट ओनली कुछ बातें लिखी गई है चैप्टर के रिगार्डिंग कि अगर हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को और ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो उसको कोऑर्डिनेशन में काम करवाए। तो जैसे भी मैंने कहा कि मेन कोऑर्डिनेशन में काम करवाने वाला कौन होता है, हमारा ब्रेन ही होता है। और ये अब इम्पोर्टेंट चीज है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के दो और दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एक एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वो क्या कह रहे हैं कि जब हम देखिए जब हम एक फिजिकल सिंपल एक्सरसाइज करते हैं तो आप सबको पता है कि एक्सरसाइज करते टाइम हमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की डिमांड होती है बहुत ज्यादा। अब एनर्जी की डिमांड क्यों है, क्योंकि आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और इवन हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। तो आप सोचो कि इतने सारे काम करवाने हमारी बॉडी को तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है जो उसको कंट्रोल करता है और साथ में कोऑर्डिनेट भी करता है। जैसे आप सबको पता है कि जब हम सिंपल वही माध्यम जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सोचो मसल का फंक्शन कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, लंग्स के साथ, हार्ट के साथ, ब्लड वेसल के साथ, सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी क्या कर पाती है, नॉर्मल ढंग से काम कर पाती है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में कि न्यूरल सिस्टम ही वो पार्ट होता है, वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, हाईली कोऑर्डिनेट करता है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, कोई ना कोई तो करवा ही रहा होगा। तो मेन सबसे पहले आज हम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और बाद में उसको ट्रांसमिट भी करता है जहां पर उसकी जरूरत है। अब यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के बारे में, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से पहले नहीं, चलो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ही करते हैं, ये बाद में सारी बातें। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सीएनएस पीएनएस, ये सारी पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हम बाद में यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, क्योंकि न्यूरॉन के भी अगेन बाद में कुछ यहाँ पे टाइप्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, आपने ऐसे ये 9th क्लास में भी किया होगा और आपने 10th क्लास के अंदर भी किया होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है और कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, यहाँ पे मैसेज ट्रेवल करता है। जैसे आप खुद ही सोचो कि मान लेते कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक मेरे मेरे सामने एक यहाँ पे ना पानी का ग्लास पड़ा हुआ है और मुझे उसको उठाकर पीना है। अब सोचो ब्रेन ने मुझे मैसेज दिया कि मुझे उस ग्लास को पकड़ना है, लेकिन मसल ने तो मतलब ब्रेन ने तो चलते वो सोच लिया, लेकिन काम किसने करना है, जो मेरी हैंड के अंदर मसल्स है उसने काम करना है। तो जो मैंने सोचा मसल को वही काम करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन में करना है। अब सोचो ब्रेन कहां पर है और मेरा हाथ कहां पर है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना जो मेरे ब्रेन को मेरे मसल्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके रख रहा है,
उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, जिसका डायग्राम आप अभी अपनी फोटो अभी आगे देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले अभी मैं ये डायग्राम बनाते कैसे हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे चलो डायग्राम देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि न्यूरॉन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जो सबसे जो जनरल स्ट्रक्चर है जो आपने 9th और 10th में किया हो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा न्यूरॉन होता है इसके पास सबसे पहले आपको ये ज़िगज़ैग से पोर्शन नजर आ रहे हैं, हाईली ब्रांच्ड पोर्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट होते हैं इनका काम क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करना। तो डेंड्राइट क्या करता है, हमेशा स्टिमुलस को रिसीव करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिसीव करने का काम न्यूरॉन के अंदर कौन करता है, डेंड्राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी कितने सारे देखो यहाँ पे डेंड्राइट है, यहाँ पे डेंड्राइट के बाद सेकंड पोर्शन यहाँ हमारे पास यहाँ पे चला आता है ये वाला बीच वाला पोर्शन, जिसे हम कहते हैं सेल बॉडी, इसी को ही कहते हैं सोमा। तो सोमा और सेल बॉडी एक ही बात होती है, और इनके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो आप इधर सेंटर में देख सकते हो। तो सोमा जो सेल बॉडी है वो यहाँ पे क्या चीज कंटेन कर रही है, न्यूक्लियस कंटेन कर रही है। अब ये जो सोमा जो है यहाँ से हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब राइज होती है, ठीक है, इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं इसको हम, इसे हम कहते हैं एक्सोन कहते हैं। और एक्सोन बाद में देखिए जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है फर्दर इसकी ब्रांचिंग हो जाती है यहाँ पे, तो इसकी जो ये ब्रांचिंग हो रही है ना इसकी एंडिंग को हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, इसी को ही कहते हैं एक्सोन एंडिंग, इसको हम सिनेप्टिक लूप भी बोलते हैं इस वाले पोर्शन को। अब यहाँ पे जो एक्सोन जो आप इतनी बड़ी यहाँ पे ट्यूब देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे उसकी इसको कोई इतना शीट इसको कवर कर रही है, तो जो शीट इस एक्सोन को यहाँ पे कवर कर रही है इस शीट को बोलते हैं माइलिन शीट। अब माइलिन शीट यहाँ पे एक्सोन को पूरा कवर कर रही है, तो इस टाइप के न्यूरॉन कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, बिकॉज ये क्या कंटेन कर रहे हैं, माइलिन शीट को कंटेन कर रहे हैं जो हमारे एक्सोन को कवर करने का काम कर रही है। अब ये जो माइलिन की जो शीट है यहाँ पे क्या होती है, एक स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन सेल को हम कहते हैं श्वान सेल। क्या कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ना इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, हाँ आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला डायग्राम देख सकते हो कि हमारे पास देखिए एक तो यहाँ पे डेंड्राइट है, इसके अलावा एक यहाँ पे सेल बॉडी है जिसे सोमा कहते हैं, सोमा के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल बॉडी से ही एक लॉन्ग ट्यूब राइज होती है, इसको बोलते हैं एक्सोन। अब यहाँ पे जो आप येलो कलर देख पा रहे हो ये हमारे पास क्या है, माइलिन शीट है, और माइलिन शीट को के अंदर कौन से सेल होते हैं, श्वान सेल होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारी माइलिन की शीट है बीच में यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जहां पे माइलिन शीट क्या है, एब्सेंट होती है। तो ये जो स्पेस जो है ना, दो माइलिन शीट देखो, एक माइलिन शीट ये वाली है, सेकंड माइलिन शीट ये वाली है, थर्ड ये वाली है, तो बीच में कुछ यहाँ पे स्पेस आपको नजर आ रहा है, इस स्पेस को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, दो माइलिन शीट के बीच का स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम यहाँ पे काफी ज्यादा विजिबल होगा। अब ये जो हमारे न्यूरॉन है देखिए वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इस डायग्राम को भी देखिए, एक देखो एक न्यूरॉन ये वाला है, सेकंड न्यूरॉन देखिए ये वाला है, तो हमारा यहाँ पे जो ये फर्स्ट न्यूरॉन है कोई बात नहीं कमलप्रीत, ये हमारे पास ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट न्यूरॉन का यहाँ पे देखिए ये इसका डेंड्राइट पोर्शन है, ये इसकी सेल बॉडी है, और यहाँ से ये जो बीच में अराइज हो रही इसको बोलते हैं एक्सोन, और इस एक्सोन को यहाँ पे कौन कवर कर रहा है, एक शीट कवर कर रही है, उस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। तो ऐसा न्यूरॉन
जिसको माइलिन शीथ कवर करती है उस न्यूरॉन को बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। और यहां पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं श्वान सेल। अब मैंने कहा माइलिन शीथ यहाँ पे कॉन्टिन्यू नहीं है, कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं है, बीच बीच में यहाँ पे क्या स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब देखिए पहला न्यूरॉन ये वाला है, सेकंड न्यूरॉन ये वाला है। अब पहले न्यूरॉन ने देखो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है, इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी सिग्नल, वो इसने क्या करना है सेकंड न्यूरॉन को ट्रांसफर करना है। तो सेकंड न्यूरॉन और पहले न्यूरॉन को कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होना पड़ेगा, तो जहां पर वो कनेक्ट होते हैं ना उसे हम कहते हैं साइनेप्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला न्यूरॉन है इसकी एक्सोन एंडिंग और सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट आपस में देखिए यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं इस पोर्शन में, इसी को ही बोलते हैं साइनेप्स। जो अभी हमने पहले वाले चैप्टर में भी किया था कि जो हमारी न्यूरॉन है जहां पर वो हमारी मसल के साथ कनेक्ट करता है उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आई होप आपको वो चीजें याद होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम और अभी दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी और फिर आप भी अपनी कॉपी में इधर उसको ड्रॉ करोगे। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन देखिए डेंड्राइट। तो डेंड्राइट न्यूरॉन का वो पार्ट होता है जो क्या काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशन है डेंड्राइट क्या करता है उसको रिसीव करता है। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो हमें मल्टीपल डेंड्राइट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जिसके पास मल्टीपल डेंड्राइट है, ये देख रहे हो एक डेंड्राइट ये वाला है, एक ये है, एक ये है, इतने सारे डेंड्राइट है और सारे डेंड्राइट यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, तो ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं मल्टी पोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपल न्यूरॉन क्या होता है जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट हो लेकिन एक्सोन एक ही है। यहाँ पे देखिए ये सारे इसके बाद डेंड्राइट क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन इस सेल बॉडी को भेज देते हैं, सेल बॉडी मतलब सोमा। अब सेल बॉडी ने उस सारी इंफॉर्मेशन को लिया और आगे किसको दे दिया, एक कॉमन पॉइंट पर दे दिया, इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं एक्सोन हिलॉक और बाद में ये आगे ट्रेवल करती है थ्रू एक्सोन। अब आप नीचे वाला डायग्राम भी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन, एक मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो सारी जो भी इसने जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन था वो आगे कहाँ जा रहे थे, इस एक्सोन के पास जा रहे। अब एक्सोन उस सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ दे रहा है, उसने सारी इंफॉर्मेशन को कैरी किया और कैरी करने के बाद वो कहाँ चला गया, एक्सोन एंडिंग के पास। ये एक्सोन एंडिंग है, एक्सोन एंडिंग को ही बोलते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल। नो प्रभजोत, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं, सेम इंफॉर्मेशन। सेम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगी अभी कि ये कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, वो इंफॉर्मेशन सेम होती है, डिफरेंट होती है, क्या होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है। सारे न्यूरॉन का काम अलग अलग होता है, जैसे भी मैंने कहा ना कि जो ये वाला न्यूरॉन है इस न्यूरॉन का नाम है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अभी मैंने आपको न्यूरॉन के ना टाइप्स नहीं बताए हैं, न्यूरॉन के भी एक्चुअली कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, बाइपोलर न्यूरॉन होता है, एक होता है मल्टीपोलर। तो हमारी बॉडी में ना ज्यादातर यही वाले न्यूरॉन्स होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सोन की देखिए एंडिंग है, इसे कहते हैं एक्सोन एंडिंग और इसी को ही कहते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल। अब उस देखिए जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास थी, अभी मैंने आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है ट्रेवल होती है वो आपका इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होती है, केमिकल की फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, मैं आपको धीरे धीरे उन सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए पहला न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है और ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है। अब फर्स्ट न्यूरॉन ने जो भी इम्पल्स कैरी की, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन्होंने कैरी की थी वो सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना है यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन को ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ पे इनको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे इम्पल्स भी कह सकते हो, उस न्यूरॉन को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक सेल या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन।
अब जो पहला वाला न्यूरॉन है उसको सारी इंफॉर्मेशन इस सेकंड वाले न्यूरॉन को देनी है, तो जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा पहले वाले से उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल। अब यहाँ पे जो पहला वाला न्यूरॉन है उस सेकंड न्यूरॉन के यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे उसके डेंड्राइट के साथ वो कनेक्टेड होता है, और इसी पोर्शन को देखिए यहाँ पे हमने इधर दिखा दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला, देखिए ये हमारे पास प्री है, ये पहला वाला न्यूरॉन है, और ये वाला हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक सेल है। तो देखिए जो पहला वाला न्यूरॉन है इसके पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इनको बोलते हैं केमिकल्स। अब अगेन इसको भी आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे जो भी केमिकल्स ये कैरी कर रहा था पहले वाला न्यूरॉन, इसने इनको रिलीज कर दिया और यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन को क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेज दी, सेंड कर दी। अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पर वही हुआ, इंफॉर्मेशन आई, इन्होंने यहाँ पे एक्सोन को दे दिया आगे, और एक्सोन ने आगे दोबारा सिनेप्टिक टर्मिनल को दे दिया। अब आगे भी क्या होगा, यहाँ पर भी दूसरा वाला एक न्यूरॉन और प्रेजेंट होगा। इस तरीके से करते करते क्या होता है, जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा तीसरे को, दूसरा चौथे को, और इस तरीके से क्या होता रहता है, सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है। आई होप आपको कनेक्शन के बारे में तो पता चल गया होगा। अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो न्यूरॉन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस न्यूरॉन को हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। आप यहाँ पर भी देखो देख सकते हो न्यूरॉन के बारे में। अब एक चीज आपको और बतानी है कि न्यूरॉन भी देखिए यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन है सेंसरी और दूसरा है मोटर। अब इस सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लेते हैं हमें किसी ने टच किया, मेरी स्किन पे किसी ने ना हाथ रख दिया, ये सिंपल हाथ ही रखा, या कुछ गर्म लगा दिया, कुछ ठंडा लगा दिया, या आपकी किसी की बाजू पे किसी ने कुछ भी रख दिया, या कुछ इंसेक्ट चल रहा है, या मैं अपना ही हाथ अपने दूसरे हाथ पे रख लूं, तो आप सब फील कर सकते हो कि हमें पता चल जाता है कि जो मेरे इस हाथ पे कोई आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे कोई ना कोई न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूरॉन जो इनपुट लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन्हें कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं उन्हें, उसे उन्हें कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि मेरे यहाँ पे कोई ना इंसेक्ट मूव कर रहा था, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, मैंने देखा कि यहाँ इंसेक्ट है, तो उसको यहाँ पे किसने कैरी किया, किसने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन ने। लेकिन बाद में मेरे ब्रेन ने मुझे मैसेज दिया कि इस इंसेक्ट को हटा दो यहाँ पे, तो हटाने के लिए मुझे अपनी मसल्स को मूव करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी और मुझे दोबारा वापस आकर उसको हटाना है। तो उसके बाद जो एक्शन करता है, जो आउटपुट हमें दे रहा है हटाना है, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर आता है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन में जाकर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और अब हमने इंफॉर्मेशन दी कि उसको वापस कर दो, तो वो कौन काम कर रहा है, आउटपुट कौन प्रोवाइड करता है हमें, मोटर न्यूरॉन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके दो नाम एक और है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे जस्ट उन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इनपुट लेकर आते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं, बाद में यहाँ पे इसका कोई ना कोई एक प्रोसेसिंग सेंटर होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड भी करता है इसे तो, और बाद में प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देनी है, वो कौन देता है, मोटर न्यूरॉन देता है। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा समझ में अगर नहीं आया है, और आई होप आपको यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कि कैसे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। डेंड्राइट क्या होते हैं, जो सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और बहुत सारी आपने देखा कि हाईली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि डेंड्राइट ग्रीक वर्ड से आया है, डेंड्रोन से जिसका मतलब ही होता है ट्री, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइन ब्रांचिंग बन रही है।
और सारी फाइन ब्रांचिंग एक जगह मर्ज हो जाती है जिसे बोलते हैं सेल बॉडी. सो टुगेदर विद सेल बॉडी द डेंड्राइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन. तो यहाँ पे मेन काम तो डेंड्राइट का ही है, लेकिन सेल बॉडी भी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, सिग्नल को रिसीव करती है और बाद में किसको भेज देती है, एक्सॉन को, जो सिंगल होता है. उसके बाद वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाती है, देन थर्ड के पास जाती है. अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जब दो न्यूरॉन जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं साइनेप्स. तो साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है जहां पर ये कनेक्ट करते हैं. और यहाँ पे अगेन दूसरी दोबारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है. अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, आपको भी मेरे साथ साथ में बनाना है न्यूरॉन का डायग्राम. ऐसे तो हमने पहले भी बहुत बार बनाया होगा, लेकिन आज यहाँ पे दोबारा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ कीजिए. हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में. और अभी हम यहाँ पे कौन सा न्यूरॉन डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं मल्टी पोलर न्यूरॉन जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट होते हैं लेकिन सिंगल एक्सॉन होता है. अब मल्टीपल न्यूरॉन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फाइन ब्रांचिंग होती है. ऐसे एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना होगा, आप वहां पर भी देख सकते हो. अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने क्या बनाया, फाइन ब्रांचिंग, इसे कहते हैं डेंड्राइट. और ये जितने भी डेंड्राइट है सारे एक सिंगल पॉइंट पर आकर मर्ज हो गए. इस बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं सेल बॉडी, इसे कहते हैं सोमा, जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देखी इस डेंड्राइट ने रिसीव की, उस सारी इंफॉर्मेशन को देखो आगे की तरफ भेज दिया. ये जो लॉन्ग ट्यूब की तरह जा रहा है इसे कहते हैं एक्सॉन. अब हमने क्या देखा कि कई बार इस एक्सॉन को एक शीट यहाँ पे कवर करती है. इस शीट को बोलते हैं माइलिन शीट. क्या कहते हैं शीट को, माइलिन शीट कहते हैं. और यहां पे न्यूक्लियस भी दिखा दीजिए, सबके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. अब ये जो माइलिन शीट है इसको बनाने वाले एक सेल होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं श्वान सेल. तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कौन से सेल होते हैं, श्वान सेल होता है. अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि जो एक्सॉन है उसको यहाँ पे पूरी माइलिन शीट क्या कर रही है, यहाँ पे कवर कर रही है. लेकिन बीच बीच में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे तो स्पेस प्रेजेंट है जहां पर माइलिन शीट क्या है, एब्सेंट है. दो माइलिन शीट, देखो एक माइलिन शीट ये वाली है, सेकंड ये वाली है. तो यहां पर कुछ स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम बोलते हैं, नोट कीजिए, नोट ऑफ रेनवियर. क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. अब ये जो हमारे पास एक्सॉन है इसकी भी यहां पर आकर एंडिंग हो जाती है.
ठीक है, तो जो एंडिंग होती है इसे कहते हैं एक्सोन एंडिंग, या एक्सोन टर्मिनल, या इसे हम सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सबने ये ड्रॉ यहाँ पे कर लिया होगा। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और कौन सा न्यूरॉन है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। अब देखिए, ये हमारे पास पहला न्यूरॉन है, सबसे पहला न्यूरॉन। अब यहां पे मान लेते हैं कि एक सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। अब सेकेंड न्यूरॉन पहले वाले न्यूरॉन के साथ कैसे कनेक्टेड होगा? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन और बनाऊं, अगर आपके सामने, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक न्यूरॉन और बना दिया, पूरा नहीं बन पाएगा पर चलो कोशिश करूंगी। जैसे कोई ये एक न्यूरॉन ये वाला बन गया, चलो ये सेकंड न्यूरॉन बन गया। अब ये जो सेकंड न्यूरॉन है ये इसके डेंड्राइट है, ठीक है। अब ये जो पहला न्यूरॉन है और जो सेकंड न्यूरॉन है, ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये आपस में क्या है? कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे बीच में, लेकिन यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, उस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है? द लूज कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में ये जो जंक्शन है, ये जो स्पेस, इसको बोलते हैं साइनेप्स। अब ये साइनेप्स काम क्या करता है? तो अगेन ऐसे तो मैं डिटेल में आपको उसके बाद करवाऊंगी, जस्ट ओनली एक ओवरव्यू है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे और नोटिस कर लो, नोट कर लो, क्योंकि उसका डिटेल मैकेनिज्म तो हमें करना ही है। जब डेंड्राइट, जो ये जो सबसे पहला न्यूरॉन है, जब ये डेंड्राइट यहां पर कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। नोट कीजिए यहां पे, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी कैरी होती है। तो स्टिमुलस आया, हाँ एक सॉरी, स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस वो होता है जो हमारे न्यूरॉन की एक्टिविटी को चेंज कर सके, जिससे हमें कुछ इस पता चल जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे सामने बर्गर पड़ा हुआ है और किसी को बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस हो गया। तो बर्गर क्या है? बर्गर स्टिमुलस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा। तो स्टिमुलस कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हमें एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे जब ये डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे देखिए, सारी इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट में रिसीव किया और बाद में सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहाँ पे दे दी? इस एक्सोन सेल बॉडी को दे दी, सोमा को दे दी। अब सारी इंफॉर्मेशन सोमा से एक ओनली इस पॉइंट पर आ गई, ये वाला पॉइंट। सारे डेंड्राइट की, देखो इस डेंड्राइट की इंफॉर्मेशन भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सारे डेंड्राइट की इंफॉर्मेशन एक सिंगल पॉइंट पर आ गई है, और इस सिंगल पॉइंट को बोलते हैं, नोट कर लीजिए, एक्सोन हिलॉक। इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट आप नोट कर लो, एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। और अभी भी इंफॉर्मेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में ही है। अब देखिए, पूरे एक्सोन से आगे इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अब यहां तक भी, एक्सोन एंडिंग तक भी सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में ही है, लेकिन अब जब पहले न्यूरॉन को सेकेंड न्यूरॉन को सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है पूरी की पूरी, तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है ना दो न्यूरॉन के बीच में, ये होती है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल।
कुछ हमारे पास यहाँ पे केमिकल होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब देखो एक्सोन एंडिंग तक भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में थी, लेकिन जब इसने यहाँ पे चीजों को कुछ रिलीज किया ना, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रांसफर हुई, केमिकल की फॉर्म में ट्रांसफर हुई। अब अगेन यहाँ पे ये कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कैसे आ रही है, केमिकल की फॉर्म में कैसे गई, इसको अगेन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप ओनली जैसे मैं आपको कह रही हूँ, जस्ट ओनली थोड़ी थोड़ी चीजों को भी आप नोट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे और ये केमिकल्स कौन से हैं जहाँ पे रिलीज हो रहे, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ तक इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में थी सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन अब यहाँ पे इसको दूसरे वाले न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन बाद में आगे ट्रेवल करता है ना, ये केमिकल्स की फॉर्म में करता है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा न्यूरॉन है यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कह लो, ये इंपल्स कह लो, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में भी करता है और केमिकल की फॉर्म में भी करता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं, इट इज अ इलेक्ट्रो केमिकल फिनोमिना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का भी रोल था प्लस साथ ही साथ में वहां पे केमिकल एक्टिविटी का भी रोल था। आई होप आपको ये बातें इधर समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बताइए, सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ये भी समझ में आ गया है दो न्यूरॉन आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, बताइए। एक बार प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए अगर किसी ने इसको ड्रॉ नहीं किया है। सिनेप्टिक नोड क्या होता है अमनजोत, जो हमारा ये एक्सोन है ना, ये वाला देखो ये एक्सोन है, तो ये जो एक्सोन एंडिंग है ना, ये वाला देखो एक्सोन, देखो यहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो बल्ब लाइक पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। एक्सोन एंडिंग को ही सिनेप्टिक नोड कहते हैं। अगेन वही सिनेप्टिक नोब न्यूरॉन का वो पोर्शन होता है जहां से इंफॉर्मेशन बाद में केमिकल की फॉर्म में ट्रेवल होती है। अब अगेन मुझे आपको यहाँ पे एक ना लास्ट चीज बतानी है, एक्सोन हिलॉक ये वाला पोर्शन है अमनजोत, ये वाला देखिए, देखिए इस डेंड्राइट से देखो इंफॉर्मेशन आई, ये सेकंड वाले से आई, यहां से आई, कितने सारे डेंड्राइट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सेल बॉडी को, लेकिन बाद में सेल बॉडी सारी इंफॉर्मेशन को एक कॉमन पॉइंट पर लेकर आ जाती है। तो जिस वो हमारे पास वो जो कॉमन पॉइंट है ना जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, और बाद में एक्सोन हिलॉक से सारी इंफॉर्मेशन आगे जा रही है एक्सोन के पास, ट्रेवल कर रही है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको एक चीज और बतानी है, वो चीज यहाँ पे मुझसे अभी मिस हो गई थी। ठीक है, जो ये न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना, सेल बॉडी में छोटे छोटे यहाँ पे ना ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं, नोट कर लीजिए, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। नोट कीजिए क्या कहते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इनको। क्या मैंने कहा, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। अभी नेजल ग्रेन्यूल्स किसकी तरह होते हैं और काम क्या करते हैं, जैसे अब आप सबने सेल वाला चैप्टर किया है, तो सेल वाले चैप्टर में हमने एक ऑर्गेनेल ही पढ़ी थी जिसका नाम था ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने दो टाइप का किया था, एक किया था ईआर के, हमने दो टाइप किए थे, एक था आरईआर और दूसरा था एससीआर। आरईआर क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एससीआर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस करना, और स्मूथ ईआर का काम क्या था? लिपिड्स बनाना। आई होप आपको ये सारी बातें याद होगी। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ कि जो हमारा न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, मान लेते हैं इधर ही बना लेती हूँ डायग्राम, जस्ट ओनली ये हमारे पास क्या है, ये सेल बॉडी है और ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स किसकी तरह होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं आरईआर की तरफ की तरह, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। और इनका काम क्या होता है? काम होता है ग्रेन्यूल्स का प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन किसके लिए बनाना? न्यूरॉन के लिए प्रोटीन बनाना, ताकि वो ढंग से यहाँ पर काम कर सके। तो प्लीज ध्यान रखना, नेसल ग्रेन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ काम करते हैं, की तरह काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, किसके लिए? न्यूरॉन के लिए। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। आई होप आपको ये न्यूरॉन काफी कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं इसके कुछ ना टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप तो भी हमने कर ही लिया है यहाँ पे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसके बाद एक न्यूरॉन होता है बायपोलर न्यूरॉन। और लास्ट में आता है यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये जो मल्टीपल न्यूरॉन है, इसमें आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डेंड्राइट होते हैं, लेकिन एक्सोन एक ही होता है। ये जो बायपोलर न्यूरॉन है इसमें क्या होता है? वन डेंड्राइट होता है, ओनली सिंगल डेंड्राइट। सोचो, वन डेंड्राइट प्लस वन एक्सोन। और ये बायपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी जो आईज होती है ना, आईज में प्रेजेंट होते हैं। और आईज में भी कहाँ पे होते हैं? आईज में एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। इस चैप्टर के अंदर जब हम आईज वाला डायग्राम करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। तो ये आईज में एक रेटिना पोर्शन होता है, उस रेटिना में बायपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे मतलब डेंड्राइट नहीं होता, लेकिन हाँ एक्सोन होता है, ओनली सिंगल एक्सोन होता है। और ये यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जब हम चाइल्ड अपनी मदर के वूम में होते हैं, तो उस टाइम पे उस कंडीशन को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब हम बन रहे होते हैं तो एम्ब्रियोनिक टाइम जो होता है, उस टाइम पर यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम पे मल्टीपोलर और बायपोलर नहीं होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने ड्रॉ भी कर लिया है, अब एक बार इसके यहाँ पे थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है? तो आई होप आप इधर देख पा रहे हो सारी चीजों को। एक्सोन देखिए, जैसे यहाँ पर देखो एक वाला डायग्राम ये भी बनाया गया है। देखो हमारे पास को ये पहला न्यूरॉन है और ये सेकंड न्यूरॉन है। ये देखिए एक्सोन क्या कर रहा है, एक्सोन ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड कर रहा है। और ये जो दूसरा वाला न्यूरॉन है, इसको रिसीव कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन को। अब जहां पर रिसीव करने के लिए इन दोनों को मीट करना पड़ेगा, जहां पर वो मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्स। इसी पोर्शन को इन्होंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है। अब यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या है, कि ये सारी बातें, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है? उससे पहले मुझे आपको यहाँ पे काफी कुछ करवाना है, लेकिन जस्ट ओनली यहाँ पे थ्योरी रीड कर लेते हैं। जो जो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन क्या है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। जैसे हमारी किडनी है, आप सबको पता है हमारी किडनी में सारा काम कौन करता है? नेफ्रॉन करते हैं।
जो हमारे लंग्स है, लंग्स में सारा काम कौन करता है, एल्वोलाई करती है, गैस एक्सचेंज। तो उस तरीके से जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, उस न्यूरल सिस्टम को बनाने वाला सारा काम करने वाले कौन होते हैं, ये न्यूरॉन ही होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए हमने कहा न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। तो यहाँ पे एक चीज को प्लीज ध्यान से पढ़ना और सुनना भी। अभी कह रहे हैं कि जो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन वो कैसा है, माइक्रोस्कोपिक, काफी ज्यादा स्मॉल है। कितना स्मॉल है, हमें उसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, माइक्रोस्कोपिक मतलब हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी एक न्यूरॉन को देखने के लिए। काफी बड़ा होता है न्यूरॉन, ध्यान रखना, काफी बड़ा है लेकिन माइक्रोस्कोपिक है। जो किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट। सबसे पहला आता है सेल बॉडी जो आपने देख ही लिया, इसके बाद डेंड्राइट, एंड थर्ड आता है एक्सोन। अभी कह रहे हैं कि जो सेल बॉडी जो होती है, सेल बॉडी क्या क्या चीजें कंटेन करती है, साइटोप्लाज्म कंटेन करती है। अब साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनेली चली आती है, कौन कौन सी ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इतनी सारी ऑर्गेनेली सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ क्या होते हैं, सर्टेन ग्रेन्यूल्स बॉडी, ग्रेनुलर बॉडी प्रेजेंट होती है, एंड उन ग्रेनुलर बॉडी को कहते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल्स। ये प्लीज नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेजल ग्रेन्यूल्स क्या होती है, कुछ ग्रेनुलर बॉडी प्रेजेंट होती है जो सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है इन द न्यूरॉन। अब हमारे पास कुछ बहुत सारे आपको शॉर्ट फाइबर्स वहां पे नजर आ रहे थे, इस तरीके से ये शॉर्ट फाइबर्स ही थे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊ, सॉरी, ये न्यूरॉन है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या, बहुत सारे शॉर्ट फाइबर्स हैं। इन शॉर्ट फाइबर्स को हम कहते हैं डेंड्राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट फाइबर्स जो क्या है, ब्रांच है रेपिडली। आप खुद ही सोचो, यहाँ पे अगर मैं इसको रब करूं, यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं इस तरीके से बना रही हूँ, तो यहाँ पे ये देखो जो डेंड्राइट, देखो मल्टीपल टाइम देखो इसकी ब्रांचिंग हो रही है, ऐसे गया फिर आगे की तरफ और ब्रांच हो सकता है, फिर और ब्रांचिंग हो रही है। तो ये जो डेंड्राइट है वो क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो रिपीटेड रिपीटेड, ये बार बार ये ब्रांच होता रहता है एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। और ये देखो इस सेल बॉडी से बाहर की तरफ तो प्रोजेक्ट है, अंदर की तरफ तो नहीं है। और इसके पास भी क्या होते हैं, कुछ नेजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन शॉर्ट फाइबर्स को कहते हैं डेंड्राइट। तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली, ब्रांचिंग हो रही रिपीटेडली सेल बॉडी के बाहर की तरफ है, जो साथ में ये सेल बॉडी नेजल ग्रेन्यूल्स भी कंटेन करती है और साथ में डेंड्राइट भी कैरी करती है। अब ये जो फाइबर्स हैं, जो डेंड्राइट है, ये क्या काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को। इंपल्स क्या है, सिग्नल, किसी का भी सिग्नल हो सकता है, किसी का भी। जैसे सिग्नल इसका हो सकता है कि मैंने कुछ चीज देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, वाओ, मैंने देखा मुझे कुछ चीज बुरी लगी, ये सारी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ही तो है, सिग्नल ही तो है। मैंने खाना देखा, मेरे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो गया उसको देखकर। किसी ने मुझे मारा तो मारने पे क्या हुआ, मुझे पता चला, मुझे फील हुआ, मुझे पेन फील हुआ, ये सारे सिग्नल ही तो है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, डेंड्राइट जो होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो सबसे पहले डेंड्राइट सिग्नल को, इंपल्स को रिसीव कर रहे हैं, और बाद में उसको रिसीव करने के बाद किसको भेज देते हैं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से क्या राइज होता है, एक्सोन, जो काफी बड़ा लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच होता है, ये देख लो आप, एक्सोन का ये एक्सोन है, ये वाला ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, और ये एक्सोन का डिस्टल एंड है। तो आप देख सकते हो कि एक्सोन का जो डिस्टल एंड है ये कितना ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है, दिख रहा है ना ब्रांचिंग है इसके अंदर, जिसको हम एक्सोन एंडिंग बोलते हैं या इसको हम सिनेप्टिक लोब भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास एक्सोन होता है, लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड क्या होता है, ब्रांच होता है। और ईच ब्रांच, जितने भी ब्रांच है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक्सोन मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से मैं ये बना देती हूँ, ये देखिए मैंने बना दिया। अब जो हमारे पास
जितनी भी ब्रांच है, एक ब्रांच ये वाली होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये वाली होगी, ये सारी ब्रांचिंग के पास इसके टर्मिनल पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, इसी को ही कहते हैं एक्सोन एंडिंग। सो ईच ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच टर्मिनेट क्या करती है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, इसको हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसके पास क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जो एक केमिकल कंटेन करता है, इनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। अब इसको मैं बता ही देती हूँ कि लाइन लिखी है, ऐसे तो हमें बाद में भी इसको डिटेल में डिस्कस करना ही है, पर आप इधर ही इसको नोट कर लो। मैं दोबारा यहाँ पे न्यूरॉन बना रही हूँ, हो सके तो आप भी बना लो, आप लोगों की प्रैक्टिस ही होगी जितना आप बनाओगे। ये मैं एक्सोन बना रही हूँ, यहाँ पे ये एक्सोन है, और ये एक्सोन देखिए हमारे पास एक सिंगल जा रहा है आगे की तरफ, और इस तरीके से कोई आगे जाके ब्रांच्ड हो रहा है, इसका डिस्टल एंड। तो ये एक जोन है, और ये वाला पोर्शन जो आप ये बल्ब लाइक नजर आ रहा है आपको, इस बल्ब लाइक पोर्शन को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब, इसी को कहते हैं एक्सोन एंडिंग। अब अगर मैं यहां पे जस्ट ओनली इस पोर्शन को, जो आप ये इतना सा पोर्शन देख पा रहे हो ना, ये वाला, अगर मैं इसको जूम कर दूं ना यहाँ पे बाहर की तरफ, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ यहाँ पे ओनली सिंगल, अगर मैं यहाँ पे ओनली एक एक ही ब्रांच दिखा रही हूँ, तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, काफी छोटा बन गया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा दिखा देती हूँ। जस्ट मैं आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है? तो ये वाला जो बल्ब लाइक पोर्शन है, इसका नाम है सिनेप्टिक नोब, ये कहते हैं एक्सोन एंडिंग। अब यहां पर ये जो सिनेप्टिक नोब है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे इस तरीके से ना वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। तो सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या देखा कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर कुछ ना केमिकल्स प्रेजेंट है। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? केमिकल्स प्रेजेंट है, और इन केमिकल्स को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर बहुत सारे क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो न्यूरॉन के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। एक न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है ACH। व्हाट इज ACH? एसिटाइलकोलीन। नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या नाम है इसका न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलीन।
सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, यहाँ पे नोट कर लो, डोपामाइन। आई होप आपने इन सबके नाम तो सुने होंगे। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या काम कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो पहले न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन भी तो स्टार्ट हो जाएगा ना। माने देखो, ये मेरे पास, ये वाला मेरे पास यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन है, तो पहले न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देनी है। तो जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, तो ये केमिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे जो पहला वाला न्यूरॉन है ना, जिसको इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये क्या करता है, यहाँ पे एक स्पेस होता है बीच में, और इस स्पेस में वो क्या करता है, बहुत सारे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये सारे यहाँ पे आके रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद सेकेंड न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, इम्पल्स ही, मतलब यहाँ पे सिग्नल ही ट्रेवल कर रहे हैं, बट सिग्नल यहाँ पे किस फॉर्म में भेज रहे हैं, वो केमिकल्स की फॉर्म में भेजते हैं। तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए, सिनेप्टिक नोड के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी ऐसे राइज होता है कि जो ये सिनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है, ये कैसे कैसे यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिनेप्टिक वेसिकल से कैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गए। तो अगेन वही, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जब हम इसका पूरा मैकेनिज्म करेंगे, अभी हमें इसका पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म भी करना है कि एक्सोन ये सारी इंफॉर्मेशन आगे भेज कैसे रहा है, और यहां तक भी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो गई, वो काफी ज्यादा डिटेल में है। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हम उस पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट लाइन लिखी गई थी, लास्ट लाइन हमें क्या बता रही थी कि ईच ब्रांच, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ईच ब्रांच टर्मिनेट अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नोड, विच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल। तो सिनेप्टिक नोड के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स है, जो क्या कंटेन करता है, केमिकल्स। उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब अगेन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो ये एक्सोन है, एक्सोन ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, अगर हमारा एक न्यूरोन, ये न्यूरोन है और ये न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग है, मान लेते हैं एक्सोन की एंडिंग, और यहाँ पे हमारे पास मसल्स हैं, क्या है, प्रभजोता। प्रभजोत अभी आपने लोकोमोशन वाला चैप्टर नहीं किया है, इसलिए आपको उसके बारे में शायद पता नहीं होगा। बाकी बच्चे इससे पहले एक चैप्टर कर चुके हैं, उसमें हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसे पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपने ये वाला क्वेश्चन भी किया नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं, देखिए मेरे पास ये न्यूरॉन है जो आप इधर देख सकते हो, और हमारी बॉडी की कोई भी मसल ले लो, मान लेते हैं एक्स वाई जेड करके यहाँ पर एक मसल है, तो इस मसल के अंदर कुछ ना कुछ हमें चेंज करना है। अब वो चेंज कैसे होगा, अब जो मेरा ये न्यूरॉन है, मेरा जो ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन, इसकी जो एंडिंग है ये मसल के साथ कनेक्टेड है, एक पॉइंट पर आकर ये न्यूरॉन सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा है इस मसल को। तो जो जो ये पॉइंट होता है ना, कॉमन पॉइंट, जहां पर न्यूरॉन मसल के साथ कॉन्टेक्ट में आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसी को ही बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। आई होप आपको ये सारी बातें याद होगी, जिन बच्चों ने अभी लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर किया है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, एक साइनेप्स ही है, लेकिन ये साइनेप्स किस के बीच में एग्जिस्ट करता है, हमारी मसल्स और न्यूरॉन के बीच में, जिसको हम मोटर एंड प्लेट और जिसे हम न्यूरो मतलब न्यूरॉन और मस्कुलर मतलब मसल के बीच का जो जंक्शन होता है, साइनेप्स होता है, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहां पर जो थ्योरी अभी हमने देखी, वहां पे क्या लिखा गया था कि एक्सोन ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ध्यान रखना, सेल बॉडी से वो लेकर आ रहा है उसको, और ये कहां पे जा रही है सारी इंफॉर्मेशन, टू अ साइनेप्स। अब साइनेप्स को उन्होंने क्या कहा है, और टू अ
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये कह रहे हैं कि कितने बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन, कितने एक्सोन प्रेजेंट है, कितने डेंड्राइट प्रेजेंट है। न्यूरॉन को हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले कैटेगरीज आती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें वन एक्सोन है और टू और मोर डेंड्राइट है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में, तो जो आपने नाइन्थ क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया, टेंथ में किया और अभी भी हम कर रहे हैं, वो ये सारे कौन से न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, जिसमें एक्सोन तो वन ही होता है लेकिन डेंड्राइट दो से ज्यादा होते हैं। अब ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो जब हम ब्रेन करेंगे तब आपको समझ आएगा। जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप का न्यूरॉन है बायपोलर न्यूरॉन। बाया मतलब टू, वन ही एक्सोन है और वन ही डेंड्राइट है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना ऑफ आई। अब अगेन आपको रेटिना के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सबको इतना पता है कि हमारी आईज में एक पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं रेटिना। और रेटिना ही आईज का वो पार्ट होता है जहां पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि हमारी आईज का रेटिना ही वो पार्ट होता है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारी ये रेटिना है, यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट में चले आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये कहते हैं कि एक सेल बॉडी है और वन ही एक्सोन है बस, यहाँ पर डेंड्राइट वगैरह कुछ होते ही नहीं है। और ये स्पेशली कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब अभी एक बच्चा पूरा 9 मंथ का रेडी नहीं हुआ है, वो अपने मदर की वूम में है, उस टाइम पे जब वो एम्ब्रियो है, वो बन रहा है, उस टाइम पे वहां पर यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक्सोन भी दो टाइप का है, जो न्यूरॉन के अंदर एक्सोन प्रेजेंट होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है माइलिनेटेड एक्सोन या न्यूरॉन बोल लो, और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। अब ये कह रहे हैं कि जो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर किससे एनवेल्प होते हैं, किससे इंक्लोज होते हैं, श्वान सेल से। अभी भी मैं ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, वहां पर एक सेल होते हैं जिसको बनाते हैं, उसे कहते हैं श्वान सेल। जो ये श्वान सेल क्या फॉर्म करते हैं, माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं अराउंड द एक्सोन। तो ये एक्सोन है, इस एक्सोन के अराउंड में एक शीथ इसको कवर कर रही है। इस शीथ को तो बोलते हैं माइलिन शीथ, लेकिन इस शीथ को बनाने वाला कौन है, श्वान सेल होता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बीच में देखिए गैप है हमारे पास, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ये कह रहे हैं द गैप बिटवीन, गैप जो है टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, एक माइलिन शीथ ये वाली है, दूसरी ये वाली है, एक ये वाली दूसरी ये वाली, तो दो माइलिन शीथ के बीच का जो ये वाला स्पेस है, स्पेस को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। अब अगेन क्वेश्चन ये राइज होता है, स्पाइनल नर्व्स क्या है, क्रेनियल नर्व्स क्या है। तो अगेन आपको जब मैं ब्रेन का डायग्राम करवाऊंगी ना, फिर आपको वो चीजें भी समझ में आ जाएगी। एंड लास्ट में आते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। जो हमारे पास ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, यहां पर ये जो इनके अंदर जो श्वान सेल होते हैं, ये माइलिन शीथ को कवर नहीं करते हैं। श्वान सेल तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर वाली में श्वान सेल माइलिन शीथ को कवर कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अनमाइलिनेटेड है इज एनक्लोज बाय श्वान सेल। उस श्वान सेल तो होता है, लेकिन दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। ये हमारे पास यहाँ पे माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता है अराउंड द एक्सोन। और कॉमनली कहाँ फाउंड होते हैं, ऑटोनॉमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में, मतलब ANS के अंदर एंड SNS के अंदर। अब अगेन प्लीज बार बार बोल रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या है, ये सारा पोर्शन हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। बस अभी हमारा मेन एम था कि हमें यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम करना है,
क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार हमें ये तो पता होना ही चाहिए जो न्यूरॉन काम करवा रहा है कि वो कैसे काम यहाँ पे कर रहा है। ऐसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बताइए आपको इतना पोर्शन यहाँ पे समझ में आया। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज वो पूछ लो एक बार। और आप यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और आप इधर मोटर न्यूरॉन भी देख सकते हो जो इंफॉर्मेशन को लेकर आती है, वो सेंसरी न्यूरॉन है। इसी को ही एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, एफरेंट नर्व। और जो इंफॉर्मेशन लेकर जाती है उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन, उसी को बोलते हैं एफरेंट नर्व। बताइए समझ आया आपको इतना पोर्शन? यहां पर कोई भी डाउट है किसी को? अगर इतने वाले पोर्शन में किसी को डाउट नहीं है तो मुझे थोड़ा सा पोर्शन भी आपको और करवाना है। अब ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमने कहा नर्वस सिस्टम को बनाने वाला उसकी फंक्शन यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। अब ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको हम यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है CNS और एक है PNS। CNS के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे डायग्राम को अच्छे ढंग से देखिए, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला पोर्शन इसका ब्रेन है और सेकंड पोर्शन इसका स्पाइनल कॉर्ड है। देखो ब्रेन ये वाला है और यहाँ पे जो लंबी सी आप ट्यूब देख पा रहे हो ये वाली रेड वाली, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसको बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ये जितना भी आप हमारी पूरी बॉडी में पूरा ब्लू पोर्शन देख पा रहे हो ना, पूरा का पूरा ब्लू पोर्शन, इस पूरे पोर्शन में हमारे पास चली आती है नर्व्स। और ये नर्व्स ही हमारे पूरी की पूरी बॉडी की पूरी नर्व्स हमारी ये CNS के साथ कनेक्टेड होती है। और इस पूरी नर्व्स को, इतनी सारी नर्व्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, इसे कहते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप अच्छे ढंग से देख सकते हो कि जो PNS है हमारा, जिसके अंदर सारी नर्व्स हैं, वो हमारा CNS के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नर्व्स लेकर आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेकर आ रहा है, और किसको देता है? CNS को देता है। CNS क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब एक बार आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड और देखिए, फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट से आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हो सके तो आप इसको ड्रॉ भी कर लेना, फिर आपको इजी लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का ये वाला पार्ट, एक तो CNS है, जैसे ऊपर वाला ये ब्रेन है और नीचे वाला ये स्पाइनल कॉर्ड है। और सेकंड पोर्शन इसका ये वाला देखिए, इतनी सारी नर्व्स, नर्व्स ही नर्व्स से पूरी बॉडी में, जो किसको बनाता है? PNS को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पूरी जो नर्व्स है, यहाँ पे देखिए इस CNS के कनेक्टेड होता है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब हमारा ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे वही लिखा है CNS के दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन हमारा ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके भी यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं ANS, एंड दूसरा होता है SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये ANS का काम करता है और ये SNS का काम करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटी होती है, वॉलंटरी एक्टिविटी क्या होती है? जो हमारे विल में है, हमें भागना है, मुझे अपनी मसल्स की मूवमेंट करनी है, कुछ भी करना है जो मेरे विल में है, उसको कंट्रोल कौन करता है?
ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये कम्युनिकेट करता है हमारे सेंस ऑर्गन के साथ और वॉलंटरी मसल के साथ। वॉलंटरी मसल होती है जो हमारे विल में होती है, अपनी मर्जी से। मेरी मर्जी है, मैं भाग सकती हूँ, नहीं भागना है मैं बैठ भी सकती हूँ। तो भागना मेरे विल में है, वो वॉलंटरी मसल करवा रही है। तो ये SNS का पार्ट होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारा हार्ट अभी पंप कर रहा है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी जो आईज है वो अपने आप ही ब्लिंक होती रहती है, जो खाना हमने खा लिया वो खुद ही डाइजेस्ट हो रहा है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है ये? सबको पता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं भी सोचूं कि नहीं प्लीज मेरा हार्ट बीट ना करे, रेस्पिरेशन ना हो, ब्रीथिंग ना हो, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो अपना काम करेगा ही करेगा। अगर हम नहीं भी चाहते तब भी वो काम होना ही होना है, क्योंकि ये हमारे विल में नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो हमारे विल में नहीं होते ना, उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो हमारा ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड के साथ। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन का मतलब है हार्ट, लीवर, किडनी, इन्होंने जो काम करना है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो इनवॉलंटरी है। एंड हमारे जो बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सिक्रीशन करवाते हैं। अब हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, हमारे विल में तो नहीं है, उन्होंने सिक्रीट होना है, वो होंगे ही होंगे। तो आई होप आपको ये बात इधर समझ में आ गई होगी। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, CNS के भी दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड पोर्शन आता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, साथ में हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। अब हमारे पास ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये भी अगेन दो टाइप का होता है। अब दो टाइप कौन कौन से हैं? एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नोट कर लो यहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक डिवीजन, और दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक डिवीजन, जिसको बोलते हैं, इसको पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हम बोल देते हैं। अब ये सिंपैथेटिक क्या करता है और ये पैरासिंपैथेटिक क्या करता है? जैसे मैंने आपको भी कहा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। अब जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो दो तरीके से हो सकती है। आप खुद सोचो, अभी आप लोग भी आराम से अपने घर में बैठो, मैं भी यहां पर बैठू, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हम सब की हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट सबका नॉर्मल चल रहा होगा, एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब एकदम काम है, एकदम काम, सारे फंक्शन आराम से हो रहे हैं, एकदम आराम से हो रहे हैं। अभी आराम से हो रहे हैं, लेकिन मेरे विल में तो नहीं है, इनवॉलंटरी है, लेकिन आराम से हो रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं ना हमारी बॉडी के, नॉर्मल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो ये पैरासिंपैथेटिक वाला पार्ट है ना, ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, पैरासिंपैथेटिक डिवीजन, कामिंग, नॉर्मल, अभी हम काम कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, सांस भी ले रहे हैं, ठीक है, और हार्ट भी बीट कर रहा है, बट हमें कुछ फील नहीं हो रहा क्योंकि सारी चीजें आराम से हो रही है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, गुस्सा आने पे क्या हुआ, मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, मेरी हार्ट रेट भी बढ़ गई, मैं, या दूसरा केस, मैं भाग रही हूं, मैं वॉक कर रही हूं, रन कर रही हूं, तो रनिंग करते टाइम ऑटोमेटिकली मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, मेरे हार्ट रेट बढ़ गया, या फिर मेरे पीछे कोई, मान लेते हैं कि मुझे डॉग से डर लगता है, एंड डॉग मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, तो उसको भागते भागते इतना डर मेरे अंदर क्रिएट हो गया कि आप सबने ये चीज नोटिस की होगी कि हमारा ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको स्कूल में कहा कि आज आपको असेंबली में कुछ बोलना है, आप वहां पे सबके सामने कुछ बोलोगे, तो क्या होता है, कई बार किसी किसी को इतना फोबिया होता है कि जब तक वो स्टेज पे पहुंचेगा उनकी हार्ट बीट पूरी एकदम फास्ट हो जाती है, उनकी पूरी बॉडी को कहते हैं पल्स रेट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा सॉरी
क्या कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे कि हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है और हम यहाँ पे मतलब ढंग से मतलब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब डर लग रहा है। तो आप देखो चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, इंक्रीज हो गई है, अराउजिंग बिहेवियर हो गया है। तो वो कौन करता है? वो करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे मैंने आपको ये सारी चीजें ना जब हमने बॉडी फ्लूड वाला चैप्टर किया था ना, हार्ट वाला, उसमें भी करवाई थी अगर आपको याद होगा तो। मैंने कहा था कि जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको बढ़ाने का काम सिंपैथेटिक करता है और उसको नॉर्मल पर लेकर आने का काम पैरासिंपैथेटिक करता है। तो यहाँ पर ऐसे वही सारी बातें लिखी गई है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी एक्शन को डील करता है। ये भी दो टाइप के हैं, एक तो आराम से करवाना, एक बहुत ज्यादा अराउज होके काम करवाना। तो सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है चीजों को, हमारे पल्स रेट को बढ़ा देता है, हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, लेकिन पैरासिंपैथेटिक उसको एकदम काम करके रखता है। जैसे आप ये समझ लो अभी हमारी बॉडी में पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेट है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पीछे कोई डॉग भाग गया तो मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी वो ऐसे ही रहने वाला है। कुछ टाइम बाद जब वो चला गया, मैं बैठ गई आराम से, तो वो शांत हो जाएगा। तो उसको शांत करने का काम बाद में कौन करता है? ये पैरासिंपैथेटिक ही करता है। तो नॉर्मल हमारी बॉडी में पैरासिंपैथेटिक ही काम करता है। कुछ कुछ सिचुएशन होती है जहां पर सिंपैथेटिक काम करता है। अब दूसरे वाली इस पे बात करते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, जो वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी वाले को एफरेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना एफरेंट, जो इनपुट लेकर आ रहा है, सेंस कर रहा है चीजों को। मैंने किसी को टच किया, मुझे पता चला वो ठंडा है गर्म है, तो उसको सेंस करने का काम, इनपुट लेने का काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन करते हैं, जिसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। बाद में मैंने कुछ ना कुछ मैंने रिस्पॉन्स किया उसके लिए, अब वो आउटपुट देना, उसका काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन और इफरेंट नर्वस सिस्टम या इफरेंट न्यूरॉन। तो ये सोमेटिक का पार्ट होते हैं। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार, अब प्लीज अपने माइंड में बिठा लेना, क्योंकि कहीं पर भी चीजें आएगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो प्लीज आपको माइंड में रखना है कि इनका मीनिंग क्या क्या होता है। आप एक बार अब ये वाले डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे तो थ्योरी वगैरह बाद में कर लेंगे, लेकिन जस्ट सुनिए आप डायग्राम देखिए। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे इन्होंने स्किन बनाई, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो जो हमारी ये स्किन है, इस स्किन के साथ देखो यहाँ पे न्यूरोन है, ये नर्व है। कौन सा न्यूरोन है? क्या लिखा है यहाँ पे? एफरेंट नर्व। एफरेंट मतलब सेंसरी, जो इंफॉर्मेशन को स्किन से रिसीव करता है और कहाँ लेकर जा रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हुई, अब हमें आउटपुट करना है। मान लेते हैं कि स्किन पे कुछ, मुझे किसने किसने मेरी स्किन पे कुछ रख दिया, अब मसल्स कह रही है कि प्लीज अपना हाथ वापस कर लो, तो हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, और यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद एक न्यूरॉन और जा रहा है, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन, इसे कहते हैं इफ्रेंट नर्व, जा रहा है और मसल्स को यहाँ पे मूव करवा रहा है कि हटा दो अपनी बाजू, हटा दो अपना हाथ, हटा दो। तो इफ्रेंट नर्व हमेशा एक्शन करता है और इनपुट कौन लेकर आता है? एफरेंट लेकर आता है। यहाँ पर भी अगेन आप दोबारा देख सकते हो कि हमारे पास देखिए ये स्किन है, स्किन के साथ न्यूरॉन कनेक्टेड है, कौन सा है, क्या नाम है? सेंसरी नर्व, जिसे हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है किसको? सीएनएस को। अ न्यूरॉन दैट सेंड सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, सिग्नल को सेंड करता है कहाँ से? सेंसेस से। स्किन हो गया, मसल हो गया, और इंटरनल ऑर्गन किसके पास जा रहा है? टू द सीएनएस, सीएनएस के पास जा रहा है। सीएनएस के पास सारी चीजें प्रोसेसिंग हुई, अब उसको वापस लेकर जाना वो कौन लेकर आता है? मोटर एंड द इफ्रेंट नर्व। तो सीएनएस में प्रोसेसिंग हुई, अब ये न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कमांड फ्रॉम सीएनएस टू द मसल्स एंड ग्लैंड। अब वो कमांड दे रहे हैं कि अब आप ये काम करो, आप भागो, कुछ भी करो।
ये मसल के पास एक न्यूरॉन और आया जो लेकर इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन, और आउटपुट जो देता है, मतलब कहने का मतलब ये है। आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ोगे ना, यहाँ पे सारी थ्योरी यही लिखी है यहाँ पे, एक बार प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लेना। अगर आप शुरू करोगे तो यहाँ पे सब कुछ ये लिखा है कि हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अंदर ब्रेन चलाता है और स्पाइनल कॉर्ड, जो ऐसी साइट होती है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करती है और कंट्रोल करती है। पीएनएस के अंदर सारी पूरी बॉडी की नर्व्स आती हैं जो सीएनएस के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अब नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस, देखो यहाँ पे देख लो पीएनएस के ही नर्व फाइबर, जस्ट इन्होंने इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, इन्होंने यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं बोला। अब इन्होंने कहा कि जो पीएनएस के अंदर नर्व फाइबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट वाले ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स फ्रॉम टिश्यू, मतलब ऑर्गन से सीरस के पास लेकर जाना, ऑर्गन से ब्रेन के पास लेके जाना एफरेंट, वापस लेकर आना वो है इफरेंट। तो ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स को टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस, और इफरेंट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स को फ्रॉम सीएनएस ब्रेन से कहां पे, टिश्यू या ऑर्गन की तरफ। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा ये भी देख लियो, ये भी बता दिया कि पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस होता है और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है ये इंपल्स को रिले करता है फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। अब आप सबको पता है कि क्या कह रहा है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन किसको रिले कर रहा है, स्केलेटन मसल को। और अच्छे तरीके से अभी भी हम लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर करके आए हैं, स्केलेटन मसल ही कैसी मसल होती है, स्केलेटन मसल ही कैसी मसल होती है, वॉलंटरी मसल होती है, मतलब जो हमारे विल में है, मुझे अपनी बाजू को मूव करना है, हाथों को मूव करना है, माउथ को मूव करना है, ये मेरे विल में ही है, बोलना है कि नहीं बोलना है, फिंगर्स को मूव करना है कि नहीं करना है, वॉक करनी नहीं करनी है। तो ये पूरी बॉडी में कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटन मसल ही होती है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंपल्स को सीएनएस से, मतलब सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स आती है, कहाँ पे जाती है, स्केलेटन मसल के पास जो वॉलंटरी होती है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, सॉरी इंपल्स को ट्रांसमिट करता है सीएनएस से किसके पास, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। स्मूथ मसल्स जो होती है ना वो हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, और इनवॉलंटरी ऑर्गन्स सारी बॉडी में इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ही होते हैं, हमारे विल में कुछ नहीं होता। आप करके देख लो, अगर आप चाहोगे हार्ट को रोक लो, ठीक है, किडनी अपना काम ना करे, मतलब वो ब्लड को फिल्टर ना करे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एएनएस हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और सोमेटिक वाला हमारी वॉलंटरी को करता है, और ये दोनों पीएनएस का एक पार्ट होता है। सॉरी अभी कह रहे हैं आगे कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एएनएस, उसके भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारी सारी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और पैरा सिंपैथेटिक उसको नॉर्मल नॉर्मल करके रखता है। ठीक है, तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आगे हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी कर लिया है, आप प्लीज एक एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको मतलब ये काफी ज्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, आप भी इसको नोट कर लो जिस इसको नहीं समझ में आ रहा है। ऑटोनॉमिक वाला यहाँ पे लिख दो,
इनवॉलंटरी, और सोमेटिक वाला यहां पे लिख दो वॉलंटरी, और यहां पे वो भी लिख दो वॉलंटरी होता कौन सा है, स्केलेटन मसल। बाकी तो वैसे यहाँ पे सब कुछ गिवन ही है। ये लिख दो सिंपैथेटिक वाला, ये हर एक चीज को इंक्रीज करता है, और पैरासिंपैथेटिक वाला नॉर्मल लिख दो या चलो डाउन कर दो। प्लीज एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसकी हेल्प से काफी ज्यादा आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जब आप नोट कर लोगे तो प्लीज मुझे बता देना। कोई डाउट है मंजोत आपको जिसने भी नोट कर लिया है किसी को कोई भी डाउट है? मैं थोड़ा सा, आप एक बार इसको बस एक दो बार रीड कर लेना, लर्न करने वाला ये पोर्शन है, बाकी तो कमलप्रीत एंड प्रभजोत आपको कोई डाउट है? ओके अमनजोत, आप आ जाना ऑफलाइन। एक बार बाकी मैं बात भी कर लूंगी ऐसे, क्योंकि फिर सब आ जाएं तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा।